हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो नाम थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, पहली बार हो सकता है सुन रहे हो। नॉन क्लासिकल का मतलब क्या है? ठीक है, नॉन क्लासिकल मतलब जो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं। हम बोलते हैं एक होता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन और एक होता है नॉन क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब जो हम रेगुलर वे में पढ़ते, जिसमें अभी तक जो भी हमने रिएक्शंस पढ़ी उसमें जो कार्बोकेटाइन डेवलप हो रहा है वो कंप्लीटली जनरेटेड या डेवलप कार्बोकेटाइन होता है। उस पर एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे कार्बोकेटाइन जिसपे पार्शियल चार्ज आता है, ठीक है, जिसपे पार्शियली चार्ज डेवलप होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की ऐसा रिएक्शन अभी तक हमने देखी नहीं थी, तो यहां पर, ठीक है, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, रिएक्शन एल्कीन के साथ ही है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी हमने बात करी थी। लेकिन अभी तक हम क्या देख रहे थे कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता था और एक न्यूक्लियोफाइल होता था, वो एल्कीन पर अटैक करता था। यहां मैं रिएक्शन करा रहा हूं ब्रोमीन की। तो ऐसा लगेगा कि सर ऐसी रिएक्शन आपने लास्ट लेक्चर में बताई थी जिसमें क्लोरीन की रिएक्शन कराई थी Cl2 की, लेकिन वो इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड AlCl3। तो यहां पे AlCl3 भी नहीं है, तो फिर ये रिएक्शन कैसे होगी? ठीक है, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिसमें सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है और हमारे पास, ठीक है, जो जिस हमें एडिशन करना है, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करना है उसमें भी कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐसा हमें दिख नहीं रहा है। तो इसमें एक्चुअली कार्बोकेटाइन डेवलप नहीं होता, पार्शियली इसमें कार्बोकेटाइन डेवलप होता है। उसी कार्बोकेटाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और शॉर्ट में NCC बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको रिएक्शन को देखते हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म में देखे किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म के अंदर यहां पर क्या है, जो हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन के अंदर अब यहां पर जो रिएक्शन, तो क्योंकि एडिशन रिएक्शन तो होनी है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन तो होनी है, एडिशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अभी भी कौन है? ब्रोमीन ही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिएक्शन करवा दे रहा हूं मैं ब्रोमीन की, और देखना इस तरीके से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब इस केस में क्या है, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर कोई बॉन्ड के अंदर कोई पोलैरिटी तो है नहीं कि ब्रोमीन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए और इसके साथ ऐड हो जाए। आइदर कुछ तो चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो फिर कैसे करें? तो होता क्या है एक्चुअल में, हमने केमिकल बॉन्डिंग में वीक वंडरवॉल फोर्सेस पढ़े, यानी वीक वंडरवॉल फोर्सेस में एक फोर्स पढ़ते हम, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। तो जब ये ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं तो इस एल्कीन के अंदर, ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में या अचानक से फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए एक डायपोल क्या होता है, क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। और वो कैसे होता है? मॉलिक्यूल्स के आपस में कॉलिजन की वजह से। जैसे ही इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल आया, इसके पास में ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें डायपोल इंड्यूस्ड कर देगा। अब इंड्यूस करेगा तो इसमें देखना, क्योंकि ये तो, क्योंकि ऑलरेडी कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच टाइप में, तो अगर इसमें डायपोल इंड्यूस होगा ब्रोमीन में, तो इसके पास वो जाएगा जिसपे पार्शियली कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव, और इससे दूर कौन सा रहेगा, जिसपे पार्शियली कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझने में आपको हो सकता अजीब लगे, लेकिन ये रिएक्शन होती है और हो रही है, तो कुछ तो इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। और हमें पता है कि हम सारे फोर्सेस की बात करते हैं, तो जब कुछ नहीं है, बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच भी है, तो क्या हो रहा होगा? तो ये, ठीक है, बुक्स में इसी तरीके से दिया हुआ, और इसको समझते इसी तरीके से कि इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, इसमें डायपोल आया इंस्टेंट के लिए और इसने इसके अंदर डायपोल इंड्यूस्ड कर दिया। ऐसा करने पे पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज आया उसके साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है जिसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है 3-मेंबर रिंग की। और जब ये इलेक्ट्रॉन, इसको अभी कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है पार्शियली, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहां से ये ब्रोमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव चार्ज लेके निकल जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, उसमें देखें CH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी एक एच ज्यादा लगा दिए, इसको सही कर लेना, ठीक है,
तो यहां पे CH आ जाएगा, और यहां पे जो ब्रोमीन होगा यहां पे डबल बॉन्ड पार्शियली बनेगा, इधर भी पार्शियली और इधर भी पार्शियली। ये जो पाई बॉन्ड था, ठीक है, पाई बॉन्ड क्या होगा, पार्शियली इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा, और इस तरीके से ये थ्री मेंबर क्या बन जाएगी हमारे पास, साइक्लिक रिंग बन जाएगी ट्रांजिशन स्टेट की इस पे, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये बी आर माइनस के फॉर्म में यहां से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इस पे कैसा है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे ब्रोमीन पूरा लेके निकल गया, और ये थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग बन गई, और ये हमारी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। ये है ट्रांजिशन स्टेट। अब हो क्या रहा है, अब नेक्स्ट स्टेप में, अब यहां पर हमारे पास देखो, नॉर्मल जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी उसमें भी क्या होता था, पहले कौन जाता था, इलेक्ट्रोफाइल जाता था। अब यहां पे इस फॉर्म में तो अकेला इलेक्ट्रोफाइल प्योर फॉर्म में तो नहीं था, लेकिन यहां से एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या हो रहा है, इसके साथ अटैच हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। नहीं, अब न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता, जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इसमें देखिए, कार्बोकेटाइन बनने की दो पॉसिबिलिटी, या तो कार्बोकेटाइन इस पे बन जाए, या कार्बोकेटाइन इस पे बन जाए। अगर कार्बोकेटाइन इस पे बनता है तो ये बनेगा 1 डिग्री, अगर कार्बोकेटाइन इस पे बनता है तो ये बनेगा 2 डिग्री। तो जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो बनेगा, तो यहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल कौन सा होगा, ये। तो यहां पर इसके ऊपर पार्शियली पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली क्यों आ रहा है, क्योंकि फिर से बोल रहा हूं, एग्जैक्ट या कंप्लीटली जनरेटेड कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, पार्शियली जनरेटेड कार्बोकेटाइन बन रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोलते हैं, नहीं, ठीक है। नॉन क्लासिकल मतलब ट्रेंड से हटके कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके का जो कार्बोकेटाइन बना उसको हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोलते हैं, और ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है। अब ये बन गया है, अब हो क्या रहा है कि पार्शियली बॉन्ड बना है। अब कंप्लीट पार्शियली बॉन्ड होता है तो कोई भी सेटिस्फाई तो नहीं होगा, उसको पूरा बॉन्ड चाहिए अपने, ठीक है, अपना वैलेंसी क्रिएट कर, वैलेंसी फुलफिल करने के लिए पूरा बॉन्ड चाहिए। यहां पे तो सारे बॉन्ड कैसे हो गए, पार्शियली हो गए। तो अब होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है, किस तरीके से ब्रेक होता है, एक तो रीजन इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग ही बनी हुई, लेकिन वो कैसी होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। तो इस वजह से, हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये बॉन्ड ज्यादा देर, ठीक है, इस फॉर्म में रहना नहीं चाहेगा। यानी दूसरा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनर पड़ा है साथ में, यानी तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके साथ बॉन्ड बना के और इनके तीनों की प्रॉब्लम, ठीक है, तीनों की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। कैसे, ये कहीं ना कहीं या तो इस पर अटैक करेगा या इस पर अटैक करेगा, तो ये वहां अटैक करेगा जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, पार्शियली डेवलप, ठीक है। तो हमें पता है इन दोनों में से इस पर ज्यादा स्टेबल होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करता है, और ये जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड पूरा का पूरा इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब ये जो पार्शियल बॉन्ड ये सारा इसके बीच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, या इसको इस तरीके से, ये पूरा का पूरा बॉन्ड इस तरीके से, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा अब वो बनेगा CH3 CH Br CH2 Br। ये जो नीचे ब्रोमीन लगा हुआ था, पहले आया था, वो इस वाले के साथ कनेक्ट हो गया, और ये जो न्यूक्लियोफाइल के से अटैक करा ट्रांजिशन स्टेट में जो बन रहा था वो यहाँ ऊपर आ गया। अब ऊपर और नीचे क्या ऐसे कहीं पे बना सकते, तो नहीं, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है इसके अंदर, ठीक है, जो एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल Br नहीं, Br2 है, ठीक है। कुछ बुक्स में Br2 भी लिखा होता है, ठीक है, वो बिल्कुल सही तरीका है, और कुछ बुक में सिर्फ Br लिखा होता है, वो भी लिखा है, और ऑप्शन नहीं है तो Br को मान लेंगे, अदरवाइज Br2 खुद अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है जो आगे इससे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज कि ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है उसमें एक साइड, ठीक है, एक साइड अगर प्योरली फॉर्म ये कार्बोकेटाइन होता तो ये sp2 होता, फिर उसमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, जैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ते, उसमें दोनों हो सकता था, टॉप से भी अटैक कर सकता था, बॉटम से भी अटैक कर सकता था, अगर कायरल सेंटर डेवलप होता तो उसमें दोनों फॉर्म R और S फॉर्म बन सकते थे, लेकिन यहां पे पार्शियली डेवलप है, इसने एक साइड को क्या करा, ब्लॉक कर दिया। जब तक इसके साथ अट्रैक्ट नहीं होगा, आके बॉन्ड नहीं बना रहा, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो इस केस में हमेशा हमें क्या मिलेगा, हमेशा हमें
एंटी एडिशन देखने को मिलेगा, मतलब एक ब्रोमीन पहले जाके लग गया और फिर दूसरा ब्रोमीन आके इस पे क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है दूसरा न्यूक्लियोफाइल, तो एक साइड इसने ब्लॉक कर दी, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें स्ट्रक्चर आइसोमर में, तो हमें हमेशा एंटी एडिशन देखने को मिलेगा, सिन एडिशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, तो एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक को हम वन बाय वन, ठीक है, लिख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी समझ के, तो एक बार पहले इसको आप कॉपी कर ले, और इसमें चाहे तो यहां से देखने को भी पता लग रहा है, ठीक है, यहां पे कार्बोकैटायन बन रहा है, सॉरी कार्बोकैटायन क्या कायरल सेंटर बन रहा है एच बी आर सी एस थ्री, और ये ग्रुप पूरा अलग, तो इसके क्या बन जाएंगे दो फॉर्म बन जाएंगे, एक आर फॉर्म एंड एक एस फॉर्म, ये और एक इसकी मिरर इमेज। ठीक है, अब लिख ले इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट तो यही लिखे कि ये रिएक्शन कैसी है, ट्रांजिशन जो स्टेट बनी है कोई स्टेप नहीं है, ठीक है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में बीच में एक ट्रांजिशन फॉर्म आ रहा है जिसमें ये चेंज हो रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक में ध्यान रखना ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, नेक्स्ट सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो रेट लो या रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, ठीक है, दैट इज आर ओ आर, अब वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए क्या लगाया, कंसंट्रेशन ऑफ एल्कीन पे डिपेंड करेगी जो हमारे पास रिएक्टेंट है, और दूसरा हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल था यहाँ पे ब्रोमीन, इसके भी पावर वन, इसके भी पावर वन, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू, ठीक है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, इसमें दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, यानी फिर नेक्स्ट बात करें हम, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो पार्शियली डेवलप हो रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं पार्शियली डेवलप कार्बोकैटायन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है, पार्शियली डेवलप कार्बोकैटायन जिसे हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म, हेंस, ठीक है, सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है, जैसे कार्बोकैटायन डेवलप हो जाता है तो हम रिंग एक्सपांशन, रिंग कंप्रेशन, या फिर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, या फिर हम फिनाइल शिफ्ट करते स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो इसमें कोई कार्बोकैटायन तो एक्चुअल में जनरेट ही नहीं हुआ, पार्शियली डेवलप्ड हुआ, तो उसमें कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, हेंस नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अभी मैंने बताया था ये कैसे होती, इसमें एंटी एडिशन होता है, नहीं ठीक है, इसकी भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, स्टीरियो केमिस्ट्री इससे पूरी चेंज हो जाती, एंटी एडिशन रिएक्शन है ये, और क्यों है, क्योंकि वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक साइड जो ट्रांजिशन स्टेट में साइक्लिक रिंग बन रही है वो उसको कर देती, पूरा ब्लॉक कर देती, ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले और हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते, फिर आ जाओ नेक्स्ट सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें। अब क्या सिर्फ ये ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन होगी क्या,
ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये और भी कई सारे मॉलिक्यूल्स है ठीक है जिनके साथ ये रिएक्शन मिलती है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जिसमें जनरेट होता है सेम इसी मैकेनिज्म से। तो कौन कौन है वो हम उसको देख लेते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बोला था इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे या इस केस में कौन है, ब्रोमीन है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन कौन हो सकता है वो हमें देखना है बस। तो ठीक है 6 पॉइंट, ऐसे रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जनरली कैसे दिख रहा है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल ठीक है। और ये ध्यान रखिए ये सभी रिएक्शन देते हैं, तो ठीक है तो इसमें लिख ले सारे क्लोरीन, ठीक है फिर से बता रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में ऐसी रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें क्लोरीन का एडिशन करवाया था लेकिन वो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कराया था, तब उसमें कार्बोकेटाइन बन जाता है Cl+ का और फिर वो कौन सा देता है ठीक है, नॉर्मली जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन की रिएक्शन है उस पर कार्बोकेटाइन बनता है RDS स्टेप में, लेकिन यहाँ पर ठीक है यहाँ पर इस केस में ब्रोमीन की जगह क्लोरीन रख दोगे तो फिर यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन बन ही नहीं सकता क्लोरीन का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा लुईस एसिड है ही नहीं है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ठीक है। तो Cl2 Br2 I2 फिर BrCl ICl ठीक है और IBr ठीक है, इसमें थोड़ी सी बॉन्ड में पॉलरिटी है तो उसका थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, बाकी इन केस में तो कहीं पे भी कुछ लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है वो भी हम देख लेंगे। फिर HOCl HOBr HOI और एक ठीक है यही लिख देते NOCl एक्सेट्रा ठीक है। तो यहां पर देखना इसमें तो कोई बॉन्ड पॉलरिटी नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ये, तो यह नेगेटिव पॉजिटिव फिर यहां नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव और ये इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पर n के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल होता उस वजह से पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ठीक है। तो इस तरीके से जिसमें बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो पहला अटैक कौन करेगा, Br2 में तो कई कुछ भी लगा दो, यहाँ पर कौन करेगा Br करेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल Cl- के फॉर्म में आएगा, फिर यहाँ पर I+ क्योंकि एक्चुअल इसमें बॉन्ड में तो पोलैरिटी है लेकिन ये क्या होता है इनका जो हम बोल सकते आयोनाइजेशन होता बड़ाई क्या होता बहुत पुअर होता है नहीं, इस वजह से ये सेम टाइप की रिएक्शन देते हैं यानी ठीक है। तो हम अभी क्वेश्चन में भी देख लेंगे इनको। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी लिखाया था उसके कैरेक्टरिस्टिक में, अगर हमने क्या ले लिया पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय सॉल्वेंट ड्यू टू
हाई कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ऐसा हमने उसमें भी बात करा था कि अगर इसकी रिएक्शन, ठीक है, पोलर की जगह मैंने क्या, नॉन पोलर की जगह अगर ये मैं क्या करूं, पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं अभी, तो पोलर सॉल्वेंट लेने पे क्या होता है यहां पे कि फर्स्ट स्टेप में तो वही है, ऐसा तो है नहीं कि भाई इनमें भी बॉन्ड पॉलरिटी बहुत इतनी नहीं कि उनको बिल्कुल ब्रेक कर ही दे नहीं। ठीक, तो थोड़ा सा जैसे कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे मैंने पिछले केस में बात करी थी, ठीक है, कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि तीन केस लिए थे मैंने, एक पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, और एक नॉन पोलर विद कैटलिस्ट। ठीक है, तो पोलर में हमें पता है जैसे पोलर सॉल्वेंट लेते तो जब सेकंड, इसमें भी क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप तो वही हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है, तो यहां पे अगर इसी रिएक्शन की बात करूं तो बी आर माइनस के साथ में साथ एच टू भी एक क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल का कंसेंट्रेशन जो सॉल्वेंट है उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा नहीं, तो एक तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे और ऊपर से जो प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए वो बन भी मेजर फॉर्म में रहे नहीं। ठीक, तो ये फिर वापस से भाई उसकी लिमिटेशन आ जाएगी। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखा है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। एक ही रिएक्टेंट लिया मैंने, अलग अलग वहां पर मैंने क्या ले लिए, इलेक्ट्रोफाइल ले लिए। तो इस केस में, फर्स्ट वाले केस में तो जैसे बी आर टू था वैसे आई टू है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो सी एच थ्री सी एच सी एच टू, पहले यहां पर क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में भी कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। प्रोडक्ट पूछा इसने, तो वापस से ये कैसा हो गया, कायरल सेंटर हो गया, कायरल सेंटर हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक इसका आर फॉर्म और एक एस फॉर्म। फिर इसमें आ जाए बी आर सी एल के केस में, तो यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव और ये कैसा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल में जब यहाँ पर, ठीक है, पाई बॉन्ड पे जब ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो ब्रोमीन वहां पर जाकर क्या होगा, अटैच होगा डबल बॉन्ड से, और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर मुझे सी एच थ्री सी एच सी एच टू, और पहले कौन, ब्रोमीन लग जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में, और फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। ठीक है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आयोडीन कहीं पे भी लगा दो, दो आयोडीन है जोड़ने डबल बॉन्ड हटा के, ठीक है, सिंपल सा अगर मैं बोलूं, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्लोरीन का लग रहा है और ब्रोमीन का लग रहा है, फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो वो उस कार्बो वहां अटैक करेगा जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, तो यहाँ पे टू डिग्री कार्बोकेटाइन है तो ज्यादा स्टेबल है, तो सी एल इधर आ जाएगा, फिर से कायरल है, और इस पर फिर से दो प्रोडक्ट मिलेंगे आर एंड एस। फिर यहां पर सी एल पे इस बार कैसा, पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन पे कैसा, नेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा सी एच थ्री सी एच सी एच टू, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कैसे, पहले सी एल जाएगा, तो सी एल यहां लग जाएगा, और एज ए न्यूक्लियोफाइल ओ एच यहां लग जाएगा, और ये हमारा फिर से एक कायरल सेंटर हो गया, और प्रोडक्ट यहां पे भी कितने मिल जाएंगे, दो, एक आर फॉर्म एंड एक एस फॉर्म। फिर यहां पर ध्यान रखना सी एल नेगेटिव और एनओ पे पॉजिटिव, ठीक है, एनओ लिखा ऐसा है लेकिन ये बॉन्ड किससे अटैच्ड होता है, नाइट्रोजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से नहीं होता है, और नाइट्रोजन पे क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहां पर सी एच थ्री सी एच सी एच टू, पहले कौन, एज ए इलेक्ट्रोफाइल एनओ, ठीक है, इस तरीके से, तो उसको कंफ्यूजन हो तो उल्टा भी लिख लेना, ओ एन सी एल इस तरीके से लिख लेना, और एज ए न्यूक्लियोफाइल सी एल यहाँ पर आ जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या होगा, ये कायरल सेंटर, और दो प्रोडक्ट इसमें बन जाएंगे आर फॉर्म एंड एस फॉर्म। ठीक है, तो कॉपी कर ले इसको एक बार। सेकंड देखिए इसी में, सेकेंड क्वेश्चन में मैंने लिखा सी एच थ्री सी एच
CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी जो रिएक्शन है इसके रिएक्शन करवा दी हमने, एक्वस NaCl के साथ और ब्रोमीन की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaCl के अंदर, ठीक है, ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई है एक्वस NaCl के अंदर, तो इसमें बताए प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। चलो अब इसको देखते हैं, देखो है तो अभी भी क्या है, ब्रोमीन ही है, एक्वस मतलब वाटर के अंदर है, मतलब पोलर सॉल्वेंट ले लिया मैंने, और NaCl ये एक क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा सॉल्यूट मैंने ऐड कर दिया, यानी तो रिएक्शन का मैकेनिज्म तो वही रहेगा, ये CH3 CH2 CH CH2 और ब्रोमीन जाएगा यहाँ पे, तो ये ब्रोमीन के साथ क्या बना लेगा, इस तरीके से ये ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके साथ एक तो क्या निकला, यहां से Br- निकल जाएगा। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि हमारे पास एक तो Br- है न्यूक्लियोफाइल, एक्वस का मतलब कौन हो गया, H2 हो गया एक न्यूक्लियोफाइल, और Na+Cl-, ये भी कैसा आयनिक है, तो Cl- भी एक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो तीन तीन न्यूक्लियोफाइल है, तो तीन प्रोडक्ट मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ठीक है तीनों प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले केस में मैंने क्या करा, Br- एज ए न्यूक्लियोफाइल रखा, और यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे वो मिलेगा CH3 CH2 CH CH2, ये तो Br, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और यहाँ पर एक और Br आ जाएगा इस केस के अंदर। सेकंड केस में जब मैंने क्या करा, वाटर को एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके साथ क्या करा दी, रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा प्रोडक्ट CH2 CH3 CH2 CH CH2 Br, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वह इस पे चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ये डी प्रोटोनेट कर लेगा, और डी प्रोटोनेट करेगा तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, और फाइनली CH3 CH2 CH के साथ OH और CH2 के साथ इधर Br+H+, ये प्रोटोनेशन का मिल जाएगा, ठीक है। और थर्ड स्टेप में जब Cl- NaCl से Cl- एज ए न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा मुझे CH3 CH2 CH CH2 Br और यहाँ पे Cl। हर केस के अंदर ये जो Br है ये तो एज ए फर्स्ट स्टेप में जो हमारा क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रोफाइल Br ही होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे Na+ लगा दिया, आपने H+ लगा दिया, कुछ नहीं, नहीं, रिएक्शन अभी भी कौन सी हो रही है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाली रिएक्शन हो रही है जिसमें थ्री मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तो ब्रोमीन ही इसमें क्या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो यहाँ पे भी ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमीन। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल जाएगा तब पॉसिबिलिटी बन जाती है कि Br- भी हो सकता है, H2O भी हो सकता है, Cl- भी हो सकता है, जो हमें कहाँ से, इस सॉल्यूट से मिल रहा है। और अगर इसमें बात करूँ, जैसे अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक में लिखा था, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट इसमें क्या है हमारे पास, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है, कौन, एक्वस मतलब वाटर, तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ये होगा माइनर, और ये भी प्रोडक्ट कैसा होगा, माइनर। तो दोनों चीज हो गई, एक तो मोर देन वन न्यूक्लियोफाइल हुए तो प्रोडक्ट भी मल्टीपल मिलेंगे, और उसमें भी ठीक है जो
हमारे पास सॉल्वेंट होगा पोलर प्रोटिक, उसी से प्रोडक्ट मिलेगा मुझे मेजर। और इसको ध्यान से अगर आप देखो तो ये क्या है, कायरल सेंटर है, इधर कायरल सेंटर है, तो दो फॉर्म बन जाएंगे इसके भी, एक आर और एक एस। यहाँ पर भी देखोगे आप तो ये क्या है, इधर कायरल सेंटर हो गया, कायरल सेंटर हो गया, तो इसके भी क्या मिल जाएंगे, दो फॉर्म मिल जाएंगे, एक आर और एक एस। और यहाँ पर भी ये कायरल सेंटर है, तो यहाँ पर भी इसके दो फॉर्म मिल जाएंगे, एक आर और एक एस। तो अगर मैं बात करूँ टोटल कितने हैं, टोटल दिखने में किसी ने देखा होगा तो इसमें एक ही मिल रहा होगा, और उसका बना दोगे तो दो दिख रहे होंगे, और थोड़ा किसी ने ज़्यादा सोचा होगा तो वाटर का बना के और उसके बना के चार बना देंगे, लेकिन सी एल वी करेगा तो टोटल दो दो चार और छः, टोटल छः प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको एक बार कॉपी कर लिया। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, अब हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑर्गेनिक में आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर में किस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है, क्या क्या नाम होते हैं वो सब भी बता रहा हूँ, और एक लास्ट में शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट ट्रिक से ध्यान रखना, और समझने के लिए, ठीक है, एक बार मैं पूरा बता रहा हूँ कि इससे ये प्रोडक्ट बनाए और कैसे बनाए और कैसे हम इसको बोलेंगे। ठीक है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, पहले तो ये रिएक्शन वही है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या लगेगा, यहाँ पर एनसीसी की रिएक्शन होगी, तो एनसीसी टाइप रिएक्शन होगी तो ब्रोमीन लग जाएगा। तो एक दो तीन चार है, एक दो तीन चार, तो इन दोनों पे, मिडल वालों पे लगेगा, तो बी आर इधर लगा और बी आर मतलब एंटी एडिशन होता है नहीं। ठीक है, तो ये जो होता है ये एक एंटी एडिशन होता है, ये इसका सिस फॉर्म है, और इसको हम बोलते हैं 3O, 3O मतलब THREO, 3O। ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहा हो अगर वो एंटी या ट्रांसफॉर्म में हो, ठीक है, अगर प्रोडक्ट हमारा ट्रांसफॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं हम 3O। तो सिस फॉर्म पे अगर एंटी एडिशन हो रही तो प्रोडक्ट हमें 3O मिलता, मतलब ट्रांस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, इसमें ये क्या है, कायरल सेंटर है दो, कोई POS COS नहीं है, तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, तो ये मैंने इसकी मिरर इमेज बना दी, तो दो प्रोडक्ट मुझे मिलेंगे। अब आओ ये बना कैसे, ठीक है, नेमिंग क्या है वो सब आगे समझेंगे, पहले ये बना कैसे वो हम देख लेते हैं। तो अब देखना, ये जो हमें सिस एल्कीन दे रखी है, इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस एल्कीन में आप बस इतना ध्यान रखना कि मैं यहाँ से किसी भी साइड से ले सकता हूँ, आपके राइट से लो, लेफ्ट से लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, लेफ्ट साइड से मैं व्यू ले रहा हूँ, यानी लेफ्ट साइड से व्यू ले रहा हूँ, मतलब यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, तो इस तरीके से समझना है। नहीं देखो, ये जो एल्कीन है, इस तरीके से जो एल्कीन है इसको उठा के मैंने क्या करा, आपके सामने रख दिया। ठीक है, तो जब आपके सामने रखूंगा तो ये तो है बीच में डबल बॉन्डेड, क्या मैंने मान लिया, पाई बॉन्ड, यानी ठीक है, तो ये मैंने मान लिया जो ये बॉन्ड है ना, जो आपको एल्कीन ये ऐसे दिख रही है, इसको मैं आपको इस तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ। तो ऐसे जब दिखाओगे तो ये बॉन्ड जो इसके लेफ्ट और राइट में इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये एक इस तरीके से दिखेगा और एक इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, तो अगर मैंने इसको यहां से उठा के और आपके सामने यू करा तो ये CH3 इधर हो गया और ये H इधर हो गया। अब देखना, जो पीछे वाला जो CH3 वो भी तो इसी साइड में होगा, तो ये पीछे वाला जो पीछे वाला CH3 था, ठीक है, वो भी इसके पीछे तो नजर आएगा नहीं, अभी आपको बोर्ड पे ऐसे बना रखा और सामने में ऐसे लेकर आ गया। तो मैं ये फ्रंट व्यू से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं जो बोर्ड पे ये इस तरीके से बना रखा इसको मैंने उठा के आपके सामने रखा, तो सामने रखूंगा तो किस तरीके से दिखेगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन में मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इसको, तो न्यूमैन के अंदर देखना, न्यूमैन में ऐसे बनाते हैं, एक सर्किल होता है और एक डॉट होता है, तो जो डॉट वाला है वो फ्रंट होता है, तो फ्रंट से जब इसको उठा के मैं आपके सामने लाऊंगा तो राइट में कौन आ गया, एच आ गया, और लेफ्ट में कौन आ गया, सी एस थ्री आ गया। ठीक है,
इसको उठा के जब मैंने आपके सामने रखा तो सही है, हाँ ठीक है, तो इसको उठा के जब आपके सामने रखा तो इसमें आपके साइड मतलब मेरे साइड में राइट में एच आ जाएगा और उस साइड में कौन आ जाएगा, सी एस थ्री आ जाएगा जी। फिर इसको और एग्जैक्टली इसी के पीछे जो पीछे वाला कार्बन है वो किससे, सर्किल से ड्रॉ करते हैं, तो इसी के पीछे इस एच के पीछे एच होगा, ऐसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे भी कौन होगा एच और यहाँ पर कौन होगा सी एस थ्री, ऐसे दिखेगा जब आप इसको उठा के ऐसे रखोगे आपके सामने से, या आप इधर से जब देख रहोगे ठीक है, कैसे मान लो जब इधर से आप देख रहो तो वैसे मान लो राइट मुझे एच दिखेगा, या मैंने इसको उठा के आपके सामने कर दिया तो इस तरीके से दिखेगा। ये तो बात हुई न्यूमैन फॉर्म में, इसको मैंने बनाया एल्कीन को। अब क्योंकि मुझे पता है ब्रोमीन का जो ये रिएक्शन होती है एंटी एडिशन होती है, तो पहला मैं मान ले रहा हूँ कार्बन, फ्रंट कार्बन पे मान लो या बैक कार्बन पे मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं मान रहा हूँ कि जो पहला ब्रोमीन जो जिसमें वो ट्रांजिशन स्टेट बनाता है साइक्लिक मेंबर, और उसके बाद ये कहाँ से ऊपर टॉप से कर रहा है, और हो सकता था ये बॉटम से भी उससे अटैच हो सकता था, तो पहली बार मैंने मान लिया फ्रंट कार्बन जो है इस पर ब्रोमीन लग रहा है टॉप से, तो ब्रोमीन लगेगा जो टॉप से, तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा, यहां पर आया ब्रोमीन, और ब्रोमीन जैसे ही लगेगा तो ये बॉन्ड कैसे होंगे सी एस थ्री एच थोड़े से कहां नीचे की साइड आ जाएंगे इसमें, तो यहां पर ये आ गया सी एस थ्री और यहां पर आ गया ये एच, फ्रंट कार्बन टॉप पे ब्रोमीन जैसे आएगा तो ये बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, ठीक है कैसे हो जाएंगे स्ट्रैगर्ड फॉर्म में, मैक्सिमम डिस्टेंस में होंगे 120 पे, तो ये इस तरीके से आ गया। यानी अब दूसरा जो ब्रोमीन होगा अगर ये टॉप से आया तो दूसरा ब्रोमीन एंटी एडिशन होना चाहिए, तो एंटी तो कहां से होगा ये बॉटम से अटैच होगा, तो दूसरा ब्रोमीन इस पीछे वाले कार्बन पे ये बॉटम से आया, और ये जब बॉटम से आएगा तो ये वाले जो बॉन्ड्स है सी एस थ्री ये कहां ऊपर की तरफ दिखेंगे इसमें, तो ये इधर एच आ जाएगा और ये इधर सी एस थ्री आ जाएगा। फिर से देख लेना, वापस बोल रहा हूँ मैं, ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन पे अगर ब्रोमीन कहीं से भी कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है मैं दोनों बता रहा हूँ, टॉप से करेंगे तो ये जब टॉप से करा तो ये दोनों बॉन्ड कैसे ऐसे इंक्लाइन दिखेंगे स्टैगर्ड फॉर्म में, और क्योंकि एंटी एडिशन होता है तो जो दूसरा ब्रोमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल आता है वो कहां से आप बॉटम से करेगा एंटी पोजिशन से, तो ये वाले बॉन्ड ऊपर दिख जाएंगे इस तरीके से। दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर फ्रंट कार्बन पे ब्रोमीन कहां नीचे से, कहां नीचे से उसके साथ अटैक करे उसमें, तो नीचे से यहां पर अटैक करेगा बॉटम से, तो देखना यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन, और जब ब्रोमीन बॉटम से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड का ऊपर की साइड दिखेंगे, तो यहां पर राइट में एच आ जाएगा और ये यहां पर सी एस थ्री आ जाएगा। अगर ये ब्रोमीन बॉटम से आ गया तो पीछे वाले बैक वाले कार्बन पे कहां से आएगा, टॉप से आएगा आपकी बार, तो ये टॉप से आ गया और ये वाले बॉन्ड का सी एस थ्री लेफ्ट में और ये वाला बॉन्ड का एच राइट में, क्लियर है। अब मैं इसका जो स्टैगर्ड फॉर्म है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, एक्लिप्स फॉर्म में, एक्लिप्स फॉर्म में जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, ठीक है तो ध्यान से देखना, एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दोनों जो सी एस थ्री, क्योंकि मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहां पर ये जो हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन दे रहेगा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो दिख ही रहा है सी एस थ्री ये सारे एक लाइन में, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ये जो सी एस थ्री इसको भी टॉप पे ले जा रहा हूँ, सी एस थ्री को भी टॉप पे ले जा रहा हूँ, ताकि वो सारे क्या एक लाइन में आ जाए फिशर प्रोजेक्शन में जब मैं इसको ड्रॉ करूँ। तो फ्रंट कार्बन की बात करूँ, इस वाले कार्बन की बात करूँ, तो सी एस थ्री इधर है तो मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ 120 डिग्री, ठीक है इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, इस सी एस थ्री को उठा के मैं यहाँ लाऊंगा तो इसको ऐसे घुमाऊंगा 120 डिग्री, तो ऊपर देखना यहां पर दिख जाएगा मुझे सी एस थ्री, लेफ्ट में आ जाएगा एच और राइट में आ जाएगा बी आर, ठीक है इसी तरीके से जो बॉटम बैक वाला कार्बन है, ठीक है सर्किल वाला बैक वाला कार्बन, इसको सिर्फ कितना 60 डिग्री रोटेट करना है मेरे को, 60 डिग्री जब रोटेट करूंगा बैक वाले कार्बन को तो यहां पर आ जाएगा सी एस थ्री, और इसको जब रोटेट करूंगा तो इधर आ जाएगा एच और इधर आ जाएगा बी आर, सही है। सिमिलरली इसको भी ऐसे करो, फ्रंट कार्बन जो दिख रहा है उसको 60 डिग्री रोटेट करें हम तो यहां पर आ जाएगा सी एस थ्री और लेफ्ट में आ जाएगा बी आर और राइट में आ जाएगा एच,
बैक जो सर्किल कार्बन है बैक वाला, उसमें सी एस थ्री को कितना करूँ, 120 डिग्री रोटेट करूँ, तो 120 डिग्री मैंने इसको, ठीक है थोड़ी स्पेस कम है तो मैं थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो लिख लेना यहाँ पे लिखा मैंने सी एस थ्री, ठीक है जब इसको 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो इधर आ जाएगा लेफ्ट में एच और राइट में बी आर, तो यहाँ आ जाएगा बी आर और यहाँ पर आ जाएगा एच। ये मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रैगर्ड फॉर्म से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है थोड़ा स्पेस का इशू है तो आप थोड़ा तरीके से बना लेना कॉपी में, ठीक है ये स्टैगर्ड फॉर्म था उसको एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब एक्लिप्स फॉर्म से ही हम क्या बना सकते हैं, फिशर पोजीशन बना सकते हैं, इसलिए मेरे को कन्वर्ट करना पड़ा, स्टैगर्ड फॉर्म से नहीं बना सकते। तो अब देखना जो ये वाला कार्बन है, सामने वाला कार्बन है, इसको मैंने नंबर दिया है 1 और बैक वाले कार्बन को नंबर दिया मैंने 2। सिमिलरली सामने वाले कार्बन को नंबर दिया मैंने 1 और पीछे वाले कार्बन को दिया नंबर 2। तो किस तरीके से बनाते हैं, ये वाला कार्बन कौन सा होगा 1 और ये वाला कार्बन होगा 2। तो 1 से देखना टॉप पे कौन लगा, सी एस थ्री, तो सी एस थ्री लगा हुआ है। 1 के राइट में देखना बी आर, बी आर है। 1 के लेफ्ट में देखना एच, तो ये एच आ गया। बैक वाला कार्बन जो 2 है, ठीक है उससे एक सी एस थ्री लगा हुआ है और वो कहाँ आएगा, नीचे लिख रहा है इसके राइट में एच आना चाहिए, तो राइट में एच आ रहा है और इसके लेफ्ट में बी आर आना चाहिए, तो वो बी आर आ रहा है। सिमिलरली इसमें भी देख सकते हो, इसको मैं बोल दूँ 1 और इसको बोल दूँ मैं 2, तो फ्रंट कार्बन के टॉप में सी एस थ्री दिख ही रहा है और राइट में आना चाहिए एच और लेफ्ट में आना चाहिए बी आर, तो ये बी आर दिख रहा है। कार्बन नंबर 2 पे सी एस थ्री जो नीचे दिखेगा, राइट में बी आर, तो ये बी आर, लेफ्ट मैच तो ये लेफ्ट। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या करा, कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो एक तो एक्चुअल तरीका है किस तरीके से ये बना, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतनी एक्सरसाइज कर सके या नहीं, ठीक है। समझने के लिए एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक बस बता दिया है, लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट होती है इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब वो क्या होती है उसको तो एक बार देखते ही है, इसी तरीके से, ठीक है अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने सिर्फ सिस फॉर्म के लिए बताया। अगर मैं इसकी जगह ट्रांसफॉर्म लूंगा तो प्रोडक्ट बदल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ट्रांसफॉर्म लूंगा तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। तो मैं सिर्फ यहां पे रिएक्टेंट लिख रहा हूं ट्रांसफॉर्म का, सेम रिएक्शन कराऊंगा और प्रोडक्ट लिख दूंगा। ये सब आप बना के खुद से देखना कॉपी में, खुद से उसमें, ठीक है प्रॉपर ये जो मैकेनिज्म मैंने बताया कैसे बन रहा होगा, या इसी जो स्टेप मैंने बताया कैसे बन रहा होगा, खुद से तुम बना के, ठीक है देखना। मैंने बोल दिया बना के देखना, तो देखना नहीं बनाना ही है, ठीक है एक बार खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर ही करना है और उसके बाद मैं बता रहा हूं आप शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा। अब पहले तो मैं इस नाम के बारे में बात करता हूँ। देखो जब भी इस तरीके से एल्कीन के ऊपर एडिशन हो रहा है, ठीक है दोनों वाइस वर्सा पॉसिबल है। एल्कीन के ऊपर मैंने जब एडिशन करा तो दोनों इसमें एडिशन पॉसिबल है। अभी जैसे पर्टिकुलर यहाँ पे एनसीजी के केस में एंटी एडिशन हो रहा है, कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है, ठीक है कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जिसमें क्या होता है सिन एडिशन होता है, नहीं सिन एडिशन अगर मैं बोलूँ तो हाइड्रोजनेशन होता है जैसे, ठीक है उसमें सिन एडिशन होता है। तो उसमें अगर ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है तो उस केस में वो क्या होगा, तो उसका नाम देने का एक तरीका, अभी जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 3O। अगर प्रोडक्ट अगर ट्रांस बनता है तो उसको बोलते हैं 3O, और अगर प्रोडक्ट सिस बनता, अगर दोनों ब्रोमीन इस साइड या इस साइड आते तो हम उसको बोलते हैं एरिथ्रो, ठीक है क्या स्पेलिंग अभी लिख दूंगा मैं। 3O ट्रांस को बोलते हैं और एरिथ्रो किसको बोलते हैं, सिस को बोलते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या वो बताता हूँ, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर हमारे पास, ठीक है इस तरीके हम मेरे को क्या दे रखा, कंपाउंड दे रखा, और इसका मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने क्या करी इसकी एडिशन रिएक्शन करवाई है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड में आया तो मेरे पास 3O बना। 3O की अगर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दू, 3O की अगर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दू, ठीक है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस बनेगा ट्रांस बनेगा वो कैसे पता लगेगा, तो रिवर्स दोनों डायरेक्शन में ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां पर भी एल्कीन के ऊपर या एल्काइन के ऊपर अगर मैं बात करूं, अगर वहां पर क्या हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है, दो पॉसिबिलिटी, या फिर एंटी एडिशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिस या ट्रांस बनेगा, जिसको हम 3O या एरिथ्रो बोलते हैं। और उल्टा अगर इसका एलिमिनेशन करा दूं तो हमारे पास फिर प्रोडक्ट उस केस में एल्कीन क्या बनेगा, सिस बनेगा ट्रांस बनेगा, ठीक है। तो पहले एक बार इसको कॉपी कर ले, और एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं इस फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में, वो खुद से आप ट्राई करना, ठीक है। और फिर मैं इसकी बात करता हूं शॉर्ट ट्रिक की। ठीक है सेकंड ट्रांसफॉर्म में इसी को लिख लेना सी डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री और चलो
ठीक है, आंसर में वेरिएशन ना, इसलिए मैं इसको यहाँ पर H कर देता हूँ, यहाँ पर H, ये CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है। और इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा, इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा केस में इसका प्रोडक्ट बन जाएगा ये एरिथ्रो और BR, BR, HH। इसमें देखना ये कैसा है, ट्रांसफॉर्म है इसका। ट्रांसफॉर्म में जब एंटी एडिशन करोगे तो क्या बन रहा है इसका, सिस फॉर्म बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं ERY THRO एरिथ्रो, ठीक है। एरिथ्रो का मतलब है सिस, और यहां पर क्योंकि यहां POS आ गया, दो कायरल सेंटर भी हो गए यहां पे, तो ये कैसा बन गया, मीजो बन गया यहां पे, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा बन गया, मीजो बन गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा मीजो बनेगा, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। तो ट्रांस पे जब एंटी एडिशन होता है तो एरिथ्रो मतलब सिस फॉर्म बनता है। ये कैसे बना, इस तरीके से आप एक बार खुद से बना के देखना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, वीडियो पॉज करके, और पहले बना लेना, स्पेस छोड़ देना। अब बात करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक की, है ना, शॉर्ट ट्रिक क्या है, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि आपको पता लग जाए कैसे उसको यूज करना है। देखो सिंपल से शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं प्लस माइनस, ठीक है, तो हमें पता है प्लस 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 ही होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब प्लस माइनस मतलब प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा मैं प्लस के साथ तो प्लस ही मिलेगा रिजल्ट मुझे पॉजिटिव में, पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। या उल्टा बोल दूं, नेगेटिव को पॉजिटिव से मैं क्या करूं, प्रोडक्ट करूं उसका, तो भी नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव नेगेटिव कंबाइन होकर क्या बना लेता, पॉजिटिव। बस इतना सा आपको ध्यान रखना, और वो हर बच्चे को पता होता है। अब बस इसमें हम इसकी नेमिंग कैसे कर रहे हैं उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। पहला हमें पता है जो हमारा रिएक्टेंट होगा, ठीक है, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो रिएक्टेंट में दो पॉसिबिलिटी, या तो उसका क्या होगा सिस फॉर्म, या फिर उसका क्या होगा ट्रांसफॉर्म होगा। अगर सिस फॉर्म है तो सिस सेम साइड होता है तो उसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव, और ट्रांस अपोजिट होता है तो उसको मैं बोलूंगा नेगेटिव, ठीक है। सिंबल मतलब मैं शॉर्ट ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं इस तरीके से इसमें इनके साइन दे रहा हूँ। फिर जो एडिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने क्या बोला है, एडिशन की यहाँ पर हमने सिर्फ बात करी है एंटी एडिशन, लेकिन दोनों में तो ओवरऑल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ, सिन एडिशन भी हो सकता है और एंटी एडिशन भी हो सकता है। तो अगर सिन एडिशन, सिन मतलब सेम साइड, तो वापस मैं इसको क्या बोल रहा हूँ पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव हमेशा सेम साइड के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, सिस में भी सेम होता है तो पॉजिटिव, सिन का मतलब सेम साइड से एडिशन तो भी पॉजिटिव। और थर्ड जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर एक होता है एरिथ्रो और एक होता है थ्रियो। तो प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें, एरिथ्रो का मतलब होता है सिस बोलते नहीं है, लेकिन सिस में लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रखे, और ये होता है ट्रांस के लिए, ठीक है। एरिथ्रो का मतलब सिस और थ्रियो का मतलब ट्रांस, ठीक है, याद रखना, नेम में कई बार कन्फ्यूज हो जाता है आगे पीछे कर। तो सिस है तो मैं इसको क्या बोलूँगा पॉजिटिव, और ट्रांस है तो इसको क्या मैं बोलूँगा नेगेटिव। बस तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिएक्टेंट इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, सेम साइड के लिए मैं हमेशा पॉजिटिव यूज़ कर रहा हूँ, और अपोजिट के लिए हमेशा क्या यूज़ कर रहा हूँ नेगेटिव। रिएक्टेंट में सिस पॉजिटिव, ट्रांस नेगेटिव,
एडिशन सिन सेम साइड होगा तो पॉजिटिव, एंटी है तो नेगेटिव, और प्रोडक्ट जो बनेगा अगर उसमें सिस बना जिसको हम एरिथ्रो बोलते हैं वो होगा पॉजिटिव, और थ्रियो बनता है जो कि ट्रांस होता है तो नेगेटिव। तो ये आपको ठीक है याद रखने में भी दिक्कत नहीं होनी। अब आ जाओ शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहां पर मैं लिख देता हूं रिएक्टेंट एडिशन और यहां पर प्रोडक्ट, ठीक है रिएक्टेंट एडिशन और प्रोडक्ट फर्स्ट केस। ठीक है अगर मैंने रिएक्टेंट लिया तो रिएक्टेंट मैंने लिया सिस, ठीक है और एडिशन करा मैंने सिन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। नहीं ठीक है तो सिस अगर आपने एडिशन कर सिस रिएक्टेंट है सिन एडिशन करा तो कैसे ध्यान रखोगे, सिस का मतलब क्या है पॉजिटिव, सिन का मतलब भी क्या पॉजिटिव, तो आंसर भी क्या आएगा प्लस प्लस, क्या आएगा प्लस ही आएगा, मतलब एरिथ्रो आपका आंसर आ जाएगा इसमें, एरिथ्रो बनेगा इसमें, और ये कैसा होता है प्लस। फिर अगर मैंने सिस ही लिया और उस पर के बाद क्या करा एंटी एडिशन कर दिया, ठीक है तो ये हुआ प्लस, एंटी का मतलब हुआ माइनस, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, और माइनस का मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा थ्री यू, और ये बन जाएगा यहां पे माइनस। थर्ड अब की बार मैंने ट्रांस ले लिया रिएक्टेंट और उस पर सिन एडिशन करा, तो ट्रांस लिया तो ट्रांस हो गया नेगेटिव, सिन का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव वापस नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा थ्री ओ बन जाएगा, जो कि कैसा होता है हमने क्या बोला उसको नेगेटिव। फोर्थ फिर ट्रांस लिया मैंने, ट्रांस कैसा होगा नेगेटिव और उस पर एंटी एडिशन कर दिया मैंने, और एंटी कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और ये एरिथ्रो बनेगा, और एरिथ्रो कैसा होता है पॉजिटिव। तो अभी जो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ दो ही केस आए, कौन सा एक तो सिस एंटी एडिशन और एक ट्रांस पे एंटी एडिशन। तो अभी हमने फर्स्ट जो देखा तो उसमें सिस पे एंटी एडिशन कराया तो थ्री ओ बना था, और जो अभी मैंने जो दिया था तुम्हें ठीक है खुद से ट्राई करने के लिए उसमें प्रोडक्ट देखना रिएक्टेंट ट्रांस था एंटी एडिशन हुआ और प्रोडक्ट क्या बन रहा था एरिथ्रो बन रहा था। ठीक है अगर बाकी ठीक है जैसे मैंने बताया अगर सिन एडिशन भी हो सकता है तो उस केस में ठीक है चार ये पॉसिबिलिटी है। नहीं इसका उल्टा भी मैंने बताया, अगर ये तुम्हारा रिएक्टेंट बन गया और ये इसका उल्टा क्या कर रहे हो आप कि एलिमिनेशन आप करवा रहे हो, ठीक है एलिमिनेशन करवा रहे हो तो उसमें भी आप जैसे कई बार क्या होता है प्रोडक्ट दे देता है कि ये बना है और ये एडिशन हो रहा है तो बताओ क्या होगा, ठीक है तो वहां से भी आप उल्टा भी इसको पहचान सकते हो। यानी तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है काफी, तो इसको आप ध्यान रखना है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में ये यूज होता है। ठीक है इससे भी कुछ क्वेश्चन पहले एक बार इसको कॉपी कर ले आप। ठीक है अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं डायरेक्ट, हम क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, हमें सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है। नहीं ठीक है क्वेश्चन लिख लेना, राइट द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। फर्स्ट इसकी रिएक्शन आपने करवा दी है Cl2 CCl4 से,
तो बताए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाए इन दोनों में आप प्रोडक्ट बनाए इनके। तो फर्स्ट केस में ठीक है बना लिया होगा आपने, ठीक है फर्स्ट केस में देखें। अब शॉर्ट ट्रिक में देखो, ये मुझे यहां से दिख रहा है क्या है, ट्रांस है, और ये जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, एंटी एडिशन की होती है, ठीक है एंटी एडिशन की अगर रिएक्शन है ये, ठीक है तो अब आपको पता होना चाहिए कहाँ सिन एडिशन होता है, कहाँ एंटी एडिशन होता है, इसलिए हर मैकेनिज्म में जहाँ होता है वहाँ मैं लिखा देता हूँ सिन है या एंटी है, तो उसकी इंपॉर्टेंस अब समझ में आ रही होगी किस क्या है यानी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4, 5 है यानी, ठीक है तो यहाँ पर क्योंकि एडिशन तो इनके अलॉन्ग ही होगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा CH3 और नीचे क्या आ जाएगा इस तरीके से आ जाएगा C2H5 लिख दो या फिर कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांस पे एंटी एडिशन करेंगे, ट्रांस पे एंटी एडिशन मतलब फोर्थ केस, ट्रांस करेंगे तो क्या बनेगा एरिथ्रो, एरिथ्रो का मतलब प्लस, प्लस का मतलब सेम साइड, मतलब ये जो Cl आएगा वो इधर अभी आएगा इधर भी सेम साइड, और क्योंकि ये काइरल सेंटर आ गया इसमें दो और कोई POS नहीं है, ठीक है तो मैंने बोला था ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रांस के केस में हमेशा मीजो ही बनेगा, तो अब इसमें क्या आ जाएगी इसकी मिरर इमेज भी बन जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी। तो एक प्रोडक्ट ठीक है बना लेना, जगह नहीं है तो नहीं बना रहा हूं मैं, यहां पे CH3 ये Cl Cl H H और ठीक है तो कितने दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो ट्रांस एंटी, तो यहां पर ये कैसा बनेगा ट्रांस एंटी में एरिथ्रो, फिर आ जाए इस पे यार डबल बॉन्ड लगाना भूल गए, ठीक है इस पे कराया आप एडिशन, इस पे जब आप एडिशन कराओगे तो आपको पता है HOCl ठीक है इसके साथ भी रिएक्शन कैसे होती है एंटी एडिशन की होती है, तो यहाँ पर मुझे दे रखा है ठीक है EZ बोल सकते हैं या सिस बोल सकते हैं एक ही बात है, ठीक है तो अभी के लिए मैं इसको सिंप्लीफाइड लिख रहा हूँ सिस फॉर्म में, ठीक है ये एंटी एडिशन हो गया, तो यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा अब देखना यहां पर ये तो है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो एक साइड क्या ऐड होगा Cl और एक साइड क्या ऐड होगा OH, तो OH और Cl एक दूसरे के अपोजिट होंगे, सिंपल सी बात ये है। तो अगर मैंने यहां पर OH लगा दिया तो यहां पर क्या आएगा Cl आएगा, इधर Cl आ गया तो ये अपने आप CH3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। और इसी की फिर क्या है क्योंकि इसमें कायरल सेंटर आ गया, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, कोई POS तो इसमें है नहीं, ठीक है तो इसकी भी ये क्या बन जाएगी मिरर इमेज बन जाएगी, और मिरर इमेज में यहाँ पे CH3 यहाँ पे Cl यहाँ पे OH और यहाँ पर H, और यहाँ से भी मुझे पता है सिस एंटी पे क्या बन रहा है 3O बन रहा है और दिख रहा है 3O बनेगा ये, ठीक है तो इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने, अब अगर आपको ये एग्जाम में दे रखा और ये बनाना कैसे तो इसके चक्कर में आप क्या करोगे पूरा वैसे तो बना के नहीं देखोगे, पहले क्या करोगे कि न्यूमैन बनाए, न्यूमैन से फिर आप उसके स्ट्रैगर से पहले एक्लिप्स बनाओगे फिर इसमें जाओगे डायरेक्ट, ठीक है तो हमें पता है जहाँ डबल बॉन्ड के अलॉन्ग होगा वो बनाना, साइक्लिक में मैंने बता दिया, ओपन चेन में मैंने बता दिया, और बस जो बन रहा है कंपाउंड अब उसमें देखना होता है कि कैसे आएगा यानी, ठीक है तो अगर आपको डायरेक्ट याद है एंटी एडिशन में Cl एरिथ्रो बनता है इस शॉर्ट ट्रिक से, तो आप Cl एक साइड लगा लोगे, अगर आपको पता लग गया कि अपोजिट होगा तो डायरेक्ट उसमें लगा लोगे, क्लियर।
तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पहले भी, ठीक है, पहले भी देखने को मिलोंगे, लेकिन मैंने पहले नहीं बताया, अब यहाँ पर थोड़ा काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा दिया तो अब एक साथ बता दिया। तो मैंने कहीं बोला था ना, कई जगह आपने देखा भी होगा कि मैंने डायरेक्ट एंटी बना देता था, यहाँ पर बना दिया, यहाँ बना दिया, या सिस ले लिया, यानी ठीक है सीन, मैं बोलता था सीन एडिशन तो इधर ही आएगा, एंटी तो ऐसा आएगा, तो वो रीज़न अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये बन रहा होगा। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले और फिर से इस लेक्चर को ध्यान से देख लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है।